यह साल किसानों के लिए तबाही लेकर आया है। पहले तो कोरोना संक्रमण काल के चलते गेहूं की फसल खेतों में कई दिनों तक रखी रही, अब जब मालवा और निमाड़ में सोयाबीन और मक्का की फसल पकने की स्थिति में आ गई है, तब आसमान को बादल ने कई दिनों से अपने आगोश में ले रखा है, जिसके कारण कपास, मक्का और सोयाबीन पर बर्बादी इल्लियां लगने लगी हैं। दरअसल जुलाई माह में फसलों को जितने पानी की आवश्यकता होती है उससे आधा ही बरसा है, लेकिन अब बारिश ने अगस्त के दूसरे सप्ताह से अचानक मालवा और निमाड़ की ओर रुख कर लिया है। इससे अब जब कपास, मक्का और सोयाबीन की फसलों को बारिश की आवश्यकता नहीं है, तब बादलों ने दिन भर बरस कर खेतों में पानी भर दिया है, जिसे देख लगता है मौसम ने फसलों को बर्बाद करने का मन बना लिया है, क्योंकि हरे मच्छर और इल्ली अब फसलों पर लगने लगी हैं, जिसके कारण फसल खराब होना शुरू हो चुकी है। और किसानों को सलाह दी जाती है कि अगर पानी जैसे भी भरा होगा तो उसका निकास की व्यवस्था करें, अन्यथा क्या होगा कि ज़्यादा टाइम तक ये बादल वाला मौसम रहेगा तो वो फसलें फिर पीली होगी और उससे किसान को नुकसान होने की संभावना है, तो उस पानी को निकालें और उसकी जगह हल्का सा यूरिया का छिड़काव करें, ये किसानों को सलाह दी जाती है। और जितनी बेल वाली फसलें हैं वो जो अगर नीचे पड़ी हो, ज़मीन में पड़ी हो, तो फूल आएगा और फल गिर जाएगा, तो उससे बचाव हेतु उसको उचित सहारा देकर उसको खड़ा करके ज़मीन से ऊपर रखने का प्रयास करें। सर, कितने क्षेत्र जो अपने जिले हैं या फिर संभाग की बात करें तो कहाँ अलर्ट जारी करने की अभी संभावना बनी हुई है? अभी संभावना अपने यहाँ मालवा रीजन में तो नहीं है, पर उधर होशंगाबाद, मंडला, शहडोल, डिंडोरी तरफ रेड अलर्ट, येलो अलर्ट घोषित कर रखा है और वहाँ काफ़ी बारिश हो रही है। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं भारी बारिश हो रही है उधर।